हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज से हम टेस्ट सीरीज़ इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चालू करेंगे। 10 या फिर 20 क्वेश्चन रोज़ाना आपके पास में आएंगे वीडियो के माध्यम से। एक बार के लिए रुके। हाँ, 10 या फिर 20 क्वेश्चन पर डे आपके पास में आएंगे। कुल हम 100 क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो काम करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं चालू कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन वापस से देता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपको दिखाई देगा। आवेश का मात्रक है, आप सभी को पता है आवेश का मात्रक क्या होता है। क्या होता है बच्चों? एसआई मात्रक की बात करेगा वो। एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो पहले में कूलाम ए पे ही दे रखा है तो लगा लीजिएगा। दूसरा देखिए, 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम प्रतिरोध से गुजरती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? स्मॉल आर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो पहली चीज दे रखी है, 2.1 वोल्ट का सेल, यह है बच्चों विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 0.2 एम्पियर की धारा दे रहा है, मतलब आई बराबर कितना? 0.2 एम्पियर बोल रहा है वो। बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है बच्चों? आंसर है 10 ओम है। यही सारा डेटा दिया हुआ। चलिए, जो इक्वेशन मेरे को पता है विद्युत वाहक बल, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में, वो कुछ ऐसी थी, V बराबर E-IR। आप सभी को पता है V को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आई आर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू E-IR। डन हो गया। मेरे को स्मॉल आर चाहिए, तो इसको इधर ले कर आओ, इसको इधर ले कर आओ। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? E-IR, ये इस तरफ चला गया ना, माइनस में गया। चलो, तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा? E-IR, और उसमें भाग लगेगा किसका? कैपिटल आई का। ई का मान कितना? 2.1। माइनस आई का मान कितना? 0.2। कैपिटल आर का मान कितना? 10। भाग लगेगा किसका? आई का, 0.2 का। चलो, 0.2 को 10 से गुणा करो, 2 आएगा। तो 2.1 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 0.1, और उसमें भाग लगाया किसका? 0.2 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2 कितना होता है बच्चों? 0.5। मात्र क्या आएगा? ओम आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करोगे। हाँ भाई, देखें 0.5, देखिए बे ऑप्शन आपको दिखाई देगा बच्चों, तो बे पे टिक लगा लीजिएगा प्लीज। अगला देखिए, तीसरा सवाल, ये तो खैर सभी को पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को अपने प्रयोगों के आधार पर प्रस्तुत किया? बच्चों, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाओं के लिए प्रयोग किए थे? आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ फैराडे के प्रयोग हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है नवा चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर पढ़ा है ना, तो ध्यान में रखिएगा, फैराडे ने वो काम सबसे पहले किया। मैक्सवेल नहीं, लेंज नहीं, फैराडे से ऑप्शन पर दिखाई देगा, फैराडे लगा लीजिएगा। अगला देखिए, फोर्थ वन, भूचुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का मान होता है। देखिए भाई, चुंबकीय निरक्ष बच्चों, चुंबकीय निरक्ष पर थीटा का मान, नति कोण का मान 0 डिग्री, और चुंबकीय अक्ष या फिर चुंबकीय ध्रुव अगर मैं बोलूं तो चुंबकीय ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री। अभी तो हमें निरक्ष पूछा है, तो निरक्ष में ऊपर वाला आएगा। ठीक है, और ये कहां पर आएगा? ध्रुवों पर आएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, फोर्थ वाला है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर का मान होता है। देखो, वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर फाई होता है। परिपथ कौन सा है? शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध आर परिपथ,
और शुद्ध आर्य परिपथ में आपको पता है हम बोलते हैं समान कला में चलती है, जिस दिशा में धारा होती है उसी दिशा में वोल्टता होती है, इसका मतलब कलांतर का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, ध्यान में रखिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। देखो कलांतर मात्र और मात्र दो ही परिपथों के अंदर शून्य है, एक तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कलांतर शून्य होता है, एक अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ है ना, आरएलसी परिपथ का कौन सी अवस्था या एलसीआर परिपथ की कौन सी अवस्था, अनुनादी अवस्था, उसमें भी कलांतर का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए छठा सवाल क्या बोल रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, फाइनल जो इमेज है वो कहां बननी चाहिए, अनंत पर बननी चाहिए, बनने की स्थिति में एफ फोकस दूरी वाले आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता होगी। देखो एक ही लेंस की बात कर रहा है वो, और इस लेंस के कारण अगर प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो आवर्धन क्षमता एम का मान क्या होता है बच्चों, डी डिवाइडेड बाय एफ, और अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता तो एम बराबर लिखते हम 1 + d डिवाइडेड बाय एफ। अभी तो अनंत के लिए पूछ रहा है ना, तो अनंत वाले के लिए यही टिक लगाइएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा बे ऑप्शन देखिए, डी डिवाइडेड बाय एफ लगाना है ना। अगला देखिए, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी, देखो किसी भी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू होती है ना, न्यू क्या, आवृत्ति, आवृत्ति, अब देखो तरंग दैर्ध्य से रिलेट करवा रहा है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला तरंग दैर्ध्य के पर्पस में देखिए क्या होता है भाई, तो हमने लिखा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमें पता है, और इसे हम लिखेंगे एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए, सातवें में द ऑप्शन देखिए, द बिल्कुल सही है। अगला देखिए, तत्व जिसके नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिकतम है, अब देखो जिस तरीके के ऑप्शन मैं देख पा रहा हूं, ये सीबीएसई के लेवल का क्वेश्चन है, मतलब सीबीएसई की बुक से उठाया गया क्वेश्चन देखेगा, अगर हमारी आरबीएसई से देखता तो निकल आता कहीं ना कहीं, लेकिन चलो वैसे भी अगर आप देखोगे या फिर हर कहीं अगर माना जाएगा तो ध्यान में रखिए एफ ई 56 ही सर्वाधिक क्या है, स्थायी तत्व होता है, ये बात ध्यान में रखना आप कहीं पर भी जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी की ही बुक रेफर की जाती है और एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है क्या भाई, फेरस 56 जो है वो सर्वाधिक स्थायी है। अगला देखिए नौवा क्या बोल रहा है, एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए निज अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धि, देखो एन प्रकार के अर्धचालकों के लिए मैं आपको आपकी सरकार बोलता हूं, ध्यान में रखिएगा, आप आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस ध्यान में रखिएगा, इन्हें दाता शुद्धि भी नहीं कहते, इन्हें और कौन सी शुद्धि बोलते हैं, दाता शुद्धि बोलते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो द ऑप्शन दिखेगा आपको है ना, द लगा लीजिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस विकिरण की आवृत्ति अधिकतम होती है, बताओ भाई जल्दी से देख करके बताओ कौन सी विकिरण की आवृत्ति सर्वाधिक होगी, देखो आवृत्ति सर्वाधिक है इसका मतलब उसकी ऊर्जा सर्वाधिक होनी चाहिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से आवृत्ति ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें और रेडियो तरंगे, आपको सभी को पता है गामा तरंगों की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, मतलब इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, नहीं तो फिर आप कहाँ से देखोगे, जी एक्स पर देखो, आई एम रेडी, जी सबसे ऊपर आ रहा है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है, तरंग धैर्य सबसे कम है, ठीक है, पता चला ये। चलिए तो ये 10 सवाल थे, और कर ले 10 सवाल, चलो हाँ देखिए, क्या बोल रहा है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब इनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखो एक अच्छा सवाल है ये कि दो आवेश हैं और उनके मध्य निर्वात में बल एफ नॉट होता है, और वो कितना होता है आप सभी को पता है, 1/4πε₀Q1Q2/r² ये डन है। अब वो बोल रहा है कि माध्यम रख दिया, तो माध्यम रखने पर बल क्या हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ये तो ध्यान ही रखोगे आप, ठीक है, कुल मिलाकर के बल क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। लगने वाला बल हमेशा कम होगा यदि बीच में क्या हो, माध्यम हो। और यहाँ पे कांच रख रहा है तो कांच का कुछ ना कुछ एप्सिलॉन आर होगा, भाग लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम हो जाएगा। और अगर इसकी जगह धातु की प्लेट रख देते या फिर कोई क्या कहते हैं इसको तांबा वांबा रख देते तो क्या होता भाई, तो क्या होता, तो हम बोलते भैया बल शून्य हो जाता है ना। एफ और अगर कोई धातु की प्लेट होती तो लगने वाला बल कितना होता, शून्य। यहाँ पर किसकी प्लेट रख रहा है, कांच रख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कम हो जाएगा, बस ध्यान रखना। तो कांच के लिए हम क्या लिखेंगे, कम हो जाएगा। दूसरा देखिए, राशि जिसका मात्रक एम्पियर सेकंड के तुल्य है, मात्रक दिया हुआ है एम्पियर सेकंड, चलो एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, सेकंड किसका मात्रक, समय का। ये फॉर्मूला होना चाहिए उस राशि का, आई इंटू टी। बताओ कौन सी राशि है, आवेश क्यू बराबर आई टी लिखते हो नहीं लिखते हो, तो वह भौतिक राशि कौन सी है बच्चों, आवेश है। कौन सी है वह भौतिक राशि, आवेश है। तो क्या लगाएंगे हम, आवेश, द ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, तीसरा, जिस संरक्षण के नियम के फलस्वरूप लेंज का नियम संबंधित है। भाई लेंज का नियम कौन से संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो इसका द ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव किसके निकट है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, ये पृथ्वी का चुंबकत्व बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, मैग्नेटिज्म एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, तो ये बातें ध्यान में रखना। ये अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं तो पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, भौगोलिक है ना, जियोग्राफिकल। लेकिन जब मैग्नेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये कुछ ऐसी टेढ़ी है, सीधी नहीं है, है ना, तो मैग्नेट कुछ ऐसी है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययनों से हमें ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल है, नो साउथ पोल है, और यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी पृथ्वी की चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास है, और पृथ्वी की चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास है, ठीक है। ये मैंने आप कारण भी बताया वीडियोस के अंदर, वो वहां पे देखिएगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, उल्टा चलता है। तो क्या बोल रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव किसके पास में है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास में, ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। फिर देखिए फिफ्थ, सी ओमेगा का मात्रक क्या है, सी ओमेगा या फिर ओमेगा सी, कहाँ देखा है आपने, ये कहाँ देखा है बच्चों, तो आपने कभी एक क्वांटिटी पढ़ी होगी एक्स सी, एक्स सी बराबर आप लिखते थे वन अपॉन ओमेगा सी, लिखते थे नहीं लिखते थे, तो फिर ओमेगा सी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स सी, तो जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। चलिए एक्स सी का मात्रक होता है बच्चों ओम, ये क्या है, धारित्य प्रतिघात है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, तो ये ऊपर तो आया एक और नीचे आया ओम, और एक बटा ओम क्या होता है बच्चों, महो, क्या होता है, महो होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो सी ओमेगा का मात्रक क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, पता चल गया बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस की शक्ति क्या होगी, लेंस कौन सा है, अपसारी लेंस है, मतलब अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लिखी जाती है, तो शक्ति भी ऋणात्मक होगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अपसारी लेंस नंबर देख लेता हूं, छठा सवाल है ये, तो बोल रहा है एक अपसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो माइनस की लिखी जाएगी, तो शक्ति क्या होगी, आंसर है 1 अपॉन एफ, लेकिन सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100 बाई एफ लिख दो, 100 ऐसा का ऐसा, एफ का मान माइनस का 40, ठीक है, जीरो से जीरो गया, सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 2.5, और मात्रक क्या शक्ति का, ध्यान में रखना, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर। हाँ भाई,
बी ऑप्शन दिखाई देगा, माइनस का 2.5 डायोप्टर। आगे देखिए सातवां, दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है। बच्चों ये बात ध्यान में रखो, किसी भी धातु सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे देखे जाते हैं, तो जितने फोटोन उससे आते हैं हम मान करके चलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आने वाले फोटोनों की संख्या पर, और फोटोनों की संख्या मतलब तीव्रता पर। ये बात ध्यान रखना, आपतित प्रकाश की तीव्रता या फिर प्रति सेकंड आने वाले फोटोनों की संख्या पर कौन निर्भर करते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन निर्भर करते हैं। ये बात ध्यान में रखना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश विद्युत धारा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं। ये बात और ध्यान में रखना, मैं संख्या की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे निर्भर कर रही है, फोटोनों की संख्या पर, कि कितने फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए क्या देखेंगे, गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति नहीं भाई, दहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, जो पहले ही बोल चुका है वो, धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या के, बिल्कुल सही बात है, जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आठवां देखिए, एक कार्यकारी नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ उपयोग में ली जाती है। सभी को पता है बोरोन और कैडमियम की छड़ जो है वह विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने में काम में ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक है, जितने भी न्यूट्रॉन मिले खा जाते हैं उनको, अपने से जकड़ लेते हैं। ठीक है, चलो, तो न्यूट्रॉनों की गति बढ़ाने में नहीं भाई, ऐसा नहीं है, न्यूट्रॉनों की गति धीमा करने में नहीं, न्यूट्रॉनों की गति धीमा कौन करता है वैसे नाभिकीय रिएक्टर में, बताओ, सोचो, मॉडरेटर, मंदक क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। हाँ भाई, फिर इसका है, कुछ न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए, कुछ नहीं भैया, वो तो सभी को खा जाएंगे देखा जाए तो, सभी न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए, द लगा लीजिएगा इसका, द, ठीक है। फिर देखिए अगला, परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक जिसके तुल्य व्यवहार करता है। देखो, अगर परम शून्य आपकी बुक का सवाल है और शायद पहले ही सवाल है, परम शून्य ताप मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे कोई भी अर्धचालक जो है वो कुचालक बन जाता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो कुचालक विद्युत रोधी लिख लीजिएगा, ए ऑप्शन लगा लो, विद्युत रोधी। फिर देखिए अगला, दसवां और आज का अंतिम, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित है, औसत ऊर्जा घनत्व यू है ना, और आप देखेंगे कि ये ऊर्जा घनत्व वास्तविकता में होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अरे ऐसे ही तो देखते हो ना ऊर्जा, अरे ऐसे ही देखते हैं ऊर्जा घनत्व को, कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा घनत्व प्लस चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा घनत्व, दोनों ऊर्जा घनत्व को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो ये दोनों में समान रूप से क्या होती है, वितरित होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है ना भाई, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं। सही ऑप्शन देखिए बच्चों क्या आएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से। ठीक है, समझ में आ गया ये, चलो तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बाद में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, ये लगातार इस तरीके से वीडियोस आते जाएंगे, आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू रहेगी, चाहे मैं नए वीडियोस बनाना चालू कर दूँ बच्चों, तो भी आपके जो रिवीजन क्लास का पैटर्न है ना बच्चों, वो चलता ही रहेगा। पैटर्न मतलब मैं आपको कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा देता ही जाऊँगा लगातार, जिससे आपका रिवीजन लगातार होता रहे। ठीक है, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उस लिंक पर जाओ, टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं अब कोशिश करूंगा कि लगातार उस पर क्वेश्चन भेज सकूं आपको। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।